खिलजी वंश बारह सौ नब्बे ईस्वी से तेरह सौ बीस ईस्वी गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर तेरह जून बारह सौ नब्बे ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया जलालुद्दीन की हत्या बारह सौ छियानवे ईस्वी में उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी बाईस अक्टूबर बारह में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशाप्स था अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थाई सेना की नींव रखी दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थाई सेना थी घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का एक बटे दो भाग कर दिया इसने खसम लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा एक बटे चार के स्थान पर तीन बटे चार भाग कर दिया इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा जमीयत खाना मस्जिद अलाई दरवाज़ा सिरी का किला व हजार खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीश नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था सहना ए मंडी यहाँ खाद्यान्नों को विक्री हेतु लाया जाता था सराय ए अदल यहाँ वस्त्र शक्कर जड़ी बूटी मेवा दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद इस प्रकार थे दीवान ए रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था यह व्यापार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था सहना ए मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है खजाइन फतूह अमीर रिहला, बतूता एवं इसामी की कृति है मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मोहितिब एवं नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे चराई कर और गड़ी कर चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गड़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बारह से 1306 सौ ईस्वी तक मंगोलों के छह आक्रमण हुए अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 सौ ईस्वी को हो गई कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी तेरह सौ सो सोलह ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी मुबारक के वजीर खुसरो खान ने पंद्रह अप्रैल तेरह सौ बीस ईस्वी इस को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा खुसरो खान ने पैगम्बर के सेनापति की उपाधि धारण की